आज हम बनाएंगे मिडिल ईस्टर्न रेसिपी जो है फलाफल, जो कि काबुली चने से बनती है, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है और प्रोटीन रिच होता है। इसको बनाने के लिए लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ग्राइंडर में सोक्ड काबुली चने लिए हैं। ये 1 कप काबुली चना है जो कि 200 ml का है। अब इसे कोर्सली पीसेंगे, इसे फाइन नहीं पीसेंगे। फिर उसमें धनिया पत्ती, अनियन, गार्लिक, क्यूमिन सीड, क्रस्ट कोरिएंडर, आप खड़ा भी ले सकते हैं या पीसा धनिया भी ले सकते हैं, लेमन जूस, नमक को हम फिर से एक बार अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद ये सॉफ्ट टेक्सचर आएगा, जिसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, ये कोर्सली ही रहेगा, बहुत थोड़ा दरदरा ही पीसेगा। फिर इसमें काली मिर्च और रोस्टेड तिल, सफेद तिल मैंने पीसा भून के डाल दिया है। फिर 1 tablespoon ऑफ मैदा और बेकिंग सोडा डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसके राउंड बॉल बना लेंगे। आप राउंड बॉल नहीं बना रहे तो इसे कटलेट से भी दे सकते हैं। इसमें मैदा की जगह आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। हम एक साइड में बॉल बना के रख लेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, अदरवाइज बॉल बनाने में हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। फिर मीडियम हाई फ्लेम ऑयल में बॉल को एक एक करके डाल देंगे। स्टार्टिंग में हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए, अदरवाइज ये अपना शेप नहीं लेगा और ये फैल जाएगा या फिर उस फूट जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारा ऑयल गर्म होगा, उसके बाद जब ये शेप ले लेगा हम ऑयल को मीडियम कर देंगे। मीडियम हीट पे इसे अंदर तक पकाएंगे, अंदर तक पका के इसे निकाल लेंगे। इसको आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से काफी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बन के आता है। मैंने यहाँ इसे सॉस पैन में इसे लेस ऑयल में फ्राई किया कर सकते हैं, अदरवाइज सौते भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुकुम्बर सालसा बनाएंगे। उसके लिए मैंने योगर्ट लिया है, थिक योगर्ट, उसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, गार्लिक, क्रस्ट गार्लिक और कुकुम्बर को कस के डाला है और उसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा कुकुम्बर सालसा रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।